हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष सर। मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड पैराट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं जुलाई का महीना आ चुका है। अब इस महीने के लास्ट में या फिर अगस्त के शुरू में हम लोग बजीज पैरेट को मटकियाँ दे देते हैं। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन शुरू होने से पहले हमें अपने बजीज पैरेट को फूड में क्या क्या प्रोवाइड कराना है, जिससे दोस्तों जब हमारे बजीज पैरेट ब्रीड करें तो उनके बेबी हेल्थी निकले और जो हमारे बजीज पैरेट के ज़्यादा से ज़्यादा एग हैं वो फर्टाइल हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर से हेल्थी बच्चे बाहर आएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स को सब्सक्राइब न किया हो तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ फूड बताने वाला हूं जो कि बजीज पैरेट के ब्रीडिंग फूड है। यानी कि अगर दोस्तों अगर आप उन फूड्स को अपने बजीज पैरेट को प्रोवाइड कराते हो तो दोस्तों आपके बजीज पैरेट के अंदर कैल्शियम, विटामिन, फाइबर की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं बजीज पैरेट की सीड की। दोस्तों, जैसा कि मैं गर्मी में बजीज पैरेट को सीड में केवल और केवल कंगनी दाना प्रोवाइड कराता हूँ, कोई भी सीड मिक्स प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। सीड मिक्स दोस्तों मैं ठंडों में अपने बजीज पैरेट को प्रोवाइड कराता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप अपने बजीज पैरेट को सीड मिक्स प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर दोस्तों आपके सीड मिक्स में सनफ्लावर सीड नहीं है या फिर आप केवल मेरी तरह कंगनी प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर दोस्तों आपकी कंगनी दाने में सनफ्लावर सीड नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने कंगनी दाने में और सीड मिक्स में सनफ्लावर सीड को ऐड कर लें। दोस्तों, उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले दोस्तों जो सनफ्लावर सीड होता है उसके अंदर ऑयल होता है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बजीज पैरेट की। सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों हमारा सनफ्लावर सीड होता है वो गर्म होता है। अगर हम दोस्तों कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नहीं देना, थोड़ी क्वांटिटी में देना है। अगर दोस्तों आप एक किलो सीड ले जाए, दोस्तों आपको एक किलो सीड में 100 ग्राम सनफ्लावर सीड मिला लेना है। अगर दोस्तों आप ये प्रोवाइड कराते हैं तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि दोस्तों सनफ्लावर सीड गर्म होता है, आपके बजीज पैरेट हीट पे आएंगे। और दोस्तों दूसरी चीज़, जो सनफ्लावर सीड होता है उसके अंदर ऑयल होता है, तो दूसरी चीज़ जब उसके अंदर ऑयल होगा, जब आपके बजीज पैरेट खाएंगे, तो दोस्तों आपके बजीज पैरेट के अंदर कभी भी जो हमारे एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम होती है, जो बजीज पैरेट की बैंट में अंडा हिलक जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपको अपनी सीड मिक्स में जो सनफ्लावर सीड होती है उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको नॉर्मली जो आप सॉफ्ट फूड देते हैं, मैं तो सॉफ्ट फूड में गेहूँ, चने और मूंग की दाल देता हूँ। दोस्तों वो मैं नॉर्मली अपने बर्ड्स को यूज़ करा रहा हूँ डेली बेस पे, बट दोस्तों जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो दोस्तों मैं हफ्ते में केवल 2 दिन सॉफ्ट फूड देता हूँ। उसके अलावा दोस्तों 2 दिन मैं इस समय भुट्टे आ रहे हैं हमारे, भुट्टे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों भुट्टा काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है हमारी ब्रीडिंग के लिए। क्योंकि दोस्तों भुट्टे के अंदर एक नया सोर्स हमें मिल जाता है जो होता है कैल्शियम, और दोस्तों भुट्टे में हमें फाइबर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, जिससे हमारे बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हो जाते हैं। और दोस्तों हमारे बर्ड्स की हेल्थ बनी रहती है और भुट्टे से काफ़ी सारे विटामिन हमारे बर्ड्स को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप हफ्ते में 2 दिन अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड यूज़ कराइए और 2 दिन यूज़ कराइए भुट्टा, आप भुट्टा दीजिए। उसके अलावा दोस्तों इस समय में जब दोस्तों ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला हो, उस समय में दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप बजीज पैरेट को 2 दिन ग्रीन वेजिटेबल या फिर ग्रीन लीव्स दें। ग्रीन लीव्स में दोस्तों आप कोई सा भी बजीज पैरेट को साग दे सकते हैं। साग में दोस्तों आप कोई सा भी मेथी, पालक, जो साग आपके यहाँ पे मिल जाए वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप धनिया भी दे सकते हैं, और दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल में आप दोस्तों उन्हें सब्जियाँ दे सकते हैं, टमाटर दे सकते हैं, आप खीरा वगैरह इस समय मिल जाता है, खीरा वगैरह दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके यहाँ पे जो सब्जी आती है नॉर्मली शिमला मिर्च आप दे सकते हैं, और काफ़ी सारी जो सब्जियाँ होती हैं जो आप अपने बजीज पैरेट को प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप इस टाइम में अपने बजीज पैरेट को इसके साथ फल भी प्रोवाइड करा सकते हैं। फल में दोस्तों आप अपने बजीज पैरेट को एप्पल प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा ग्वावा यानी कि अमरूद आता है, ये दोनों चीज़ें आप अपने बर्ड्स को फल में यूज़ करा सकते हैं। ये दोनों मेरे बर्ड्स बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और मैं ब्रीडिंग सीजन से 1 महीने पहले ही अपने बर्ड्स को यूज़ कराता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप हफ्ते में 1 दिन अपने बजीज पैरेट को बॉयल राइस यानी कि उबले हुए चावल जरूर जरूर दीजिए। दोस्तों उबले हुए चावल होते हैं उससे हमारे बजीज पैरेट को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और
कैल्शियम मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपने बजीज पैलेट को उबले हुए चावल जरूर दें हफ्ते में एक बार, आपको ज़्यादा नहीं देना है, केवल और केवल आप हफ्ते में एक बार अपने बजीज पैलेट को उबले हुए चावल दें। दोस्तों जो जो मैंने आपको फूड बताए हैं, सबसे पहले सॉफ्ट फूड आपको हफ्ते में दो दिन प्रोवाइड कराना है, उसके बाद दोस्तों आपको भुट्टा दो दिन देना, उसके बाद दोस्तों आपको ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स देने हफ्ते में दो दिन, उसके अलावा दोस्तों आपको एक दिन देना है बॉइल्ड राइस। तो दोस्तों ये आपका 7 दिन का यानी कि 7 डेज का शेड्यूल है। अगर दोस्तों 7 डे का शेड्यूल आप फॉलो करते हो ब्रीडिंग सीजन से पहले, तो दोस्तों आई होप मैं गारंटी देता हूँ आपको बजीज पैरेट को ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कराने की जरूरत ही नहीं है। बस इतने से में जो आपका बजीज पैरेट है वो अपने अंदर कैल्शियम विटामिन मिनरल्स फाइबर की खपत को पूरा कर लेगा और दोस्तों आपके यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा हेल्थी निकलेंगे। और दोस्तों आप देखेंगे अगर आप दोस्तों ये फूड यूज़ कराते हैं तो दोस्तों जो आपका बजीज पैरेट है उसकी भी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये फूड यूज़ करा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड पैरेट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।